हे गाइस अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रानिया, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और ये वीडियो में एक वकील है जो कि बहुत ज्यादा आजकल आप लोगों ने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे इस्लाम के खिलाफ आकर बहुत बोलती है ये। तो इनको जो शदाब अहमद भाई है वो इसको एक्सपोज किए हैं, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया, इनके बारे में क्या बोला है उन्होंने। तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अभी हम कुछ दिन पहले इनके बारे में वीडियो बनाए थे और ये एक प्रोपोगेंडा के थ्रू ही है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो बातें हैं ना बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है, ठीक है। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलते हैं ना इस्लाम को बदनाम करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जुबान में इनके वही बात रहता है। इनके अलावा ये दावा करती है मुस्लिम होने का, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है इस्लाम के बारे में। तो कितनी सोचने वाली बात है यार कि ये अपने आप को दावा कर रही है कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी दावा करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखो, उसके बाद हम आप लोगों से बातें करेंगे और हम भी इनको इसको एक्सपोज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, वीडियो को लास्ट तक के देखना है, शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करो गाइस, ताकि लोगों को सही इस्लाम के बारे में पता चले, ठीक है, जो कि हमारे वीडियो के थ्रू पता चलता है कि कौन इस्लाम में ये जो है प्रोपेगेंडा वाले ये गलत इस्लाम बताते हैं, और हम जो बताते हैं पूरा रिसर्च करके सही इस्लाम बताते हैं, ताकि लोगों को हमारे थ्रू पता चले कि सही इस्लाम क्या है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लास्ट तक के जरूर देखना। भी दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगी, क्योंकि उनको सिंदूर कर रही है। अब तो लाइनें लग जाएंगी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे सिंदूर और सात फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, और जो मतलब जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं। ये बोल रही है कि मैं सनातनी बोल रही है, चलो ठीक है ये, लेकिन आर्मी का नाम ले रही है। तो एक पार्टी है बहुत फेमस, ठीक है, जो पहले बहुत ज्यादा आर्मी का नाम लेके, किसानों का नाम लेके वोट बैंक तैयार करी है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, आर्मी का नाम ले रही है। अगर ये इतनी ही सत्यवादी है, ठीक है, तो ये सब मीडिया में आके क्यों बोल रही है भाई? ये तो ढूंढ सकती है, आर्मी के इतने सारे जवान है, ठीक है, तो उनसे शादी कर सकती है। इसको आके ये प्रोपेगेंडा के थ्रू कर रही है ना, सनातनी से किसी करना है इसको, तो वो भी कर सकती है, किसी हिंदू भाई से करना है, सनातनी से करना है। तो यहाँ पर आके ये एक कंपेयर कर रही है इस्लाम और सनातन को, तो बहुत पता चल रहा है कि नॉर्मल से प्रोपेगेंडा ही है। तो आगे देखते हैं, नहीं दिखा मुल्ला तो ये भी कहते हैं कि औरत दिल बहलाने का सामान है, तो क्या मैं बन जाऊँ दिल बहलाने का सामान? मौलवी मुल्ला तो ये भी कहते हैं कि औरत को पर्दे के अंदर रहना चाहिए, तो क्या मैं पर्दे के अंदर अपने आप को किसी बोरे और टाट में बंद कर लूँ? मौलवी मुल्ला ये भी कहते हैं कि औरत को कम बोलना चाहिए, तो मैं कोर्ट रूम के अंदर जाकर के मुंह पे ताला लगा लूं, तभी कोई लगा लूं। 110% सनातनी मर्दों को, क्योंकि मैं 82% हिंदुओं के भीड़ में मैं रहती हूं और बचपन से लेकर के उम्र के 32 साल तक मैं रह रही हूं, तो मुझे पता है कि भाई यहां डिवोर्स नहीं होता है, नहीं छोड़ते हैं ये अपनी बीवी को। ये वाकई में सात फेरे के साथ, सात वचन के साथ साथ, सात जन्म भी साथ में रहते हैं और बहुत ज्यादा महिलाओं को रिस्पेक्ट देते हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी तूने गांड में उंगली किया ना, अभी बताते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है, ये हमारे दर्शकों तक आप बताएं। क्या नाम आप? मांगेराम जी। अच्छा जी, पूरा मामला क्या है जी? मामला ये है जी, मेरी बहन, मेरा जीजा, मम्मी, छोटा भाई, ये वे मेरी पत्नी के साथ गलत करना चाहते हैं जी। जी, उस चीज का सबूत है मेरे पास जी। गलत क्या करना चाहते हैं? इसके साथ मतलब गंदी गलत वीडियो बनाना चाहते हैं जी, इसको दाबू करने के लिए। ये बोलते हैं कि इसको नंगी करके वीडियो बना लेंगे, कल को की बोलेगी ये है। तो हम बोल देंगे कि तू को बोलने को क्या मर रही है तेरी, ये देख हमारे नीचे सोई हुई है। माँ बाप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास क्या तथ्य प्रमाण है? आप अपनी माँ के लिए भी बोल रहे हो, क्या प्रमाण है आपके पास? मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है जी सारी जी। हाँ जी, उनके बारे में जितना भी मैं बोल रहा हूँ उस चीज की सारी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। ऐसा उन्होंने पहले भी किया था, हमारे घर पे घुस के हमारे साथ मारपीट की थी। और किसने मारपीट की थी? मेरे छोटे भाई, मम्मी और पापा ने जी। आपके साथ ये जो गलत है हरकत आप बता रहे हो, इसमें कौन कौन मिले हुए हैं? सारों का पर्दाफाश करें, कौन कौन लोग हैं? मेरी बहन है जी, जीजा है, छोटा भाई है जी। और मम्मी है और पापा भी इनकी सपोर्ट करते हैं जी, उनको मैंने पापा को मैंने बोला था भाई पापा ये गलत है, तो पापा बोलते हैं मेरे एक जवाई है, एक जवाई को क्या करूंगा, पलाना दिमका, ऐसे बोलते हैं, अगर तू रोकेगा तो मैं रुकड़े नहीं दूंगा, मैं तो उसको घुसाऊंगा भाई, ऐसे बोलते हैं जी। ऐसी नौबत ये क्यों आन पड़ी? क्योंकि माँ बाप है वो तो अक्सर अपने जो अपनी औलाद होती है, अपने बेटा बेटी होते हैं, उनसे प्रेम प्यार करते हैं। आपके साथ ये नौबत क्यों आई कि आपके घर वाले, सभी परिवार वाले आपके साथ नफरत करते हैं और आप नफरत का पात्र बन गए? क्यों ऐसी ये घटना हुई आपके साथ?
देखिए सर, मैं मेरे शादी होने के बाद मेरे को घर से निकाल दिया था जी। मैं अपना कमा के खाता हूँ। क्यों निकाला आपके घर से? क्या आन पड़ी ऐसी कि घर वालों ने आपको निकाल दिया? मेरी मम्मी जुत्ती के नीचे रखना चाहती है जी, इसको मतलब जो बोले वो करवाना चाहती है, गलत करवाना चाहती है, तो वो गलत ये गलत नहीं करना चाहती जी। तो अगर मम्मी भी गलत करवाना चाहती है। साथियों, ये आप देख सकते हो कलयुग के अंदर अब क्या क्या सुनने को मिलेगा। ये आप कैमरे पर जिस शख्स को देख रहे हो, इन्होंने अपनी माँ पर भी आरोप लगाया है। हालांकि जो हमारा ग्राउंड रिपोर्ट है वो इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इन्होंने अपनी माँ पर भी एक बहुत बड़ा आरोप जो लगाया है। हाँ जी, क्या कुछ कहते हैं? वो बोलते हैं कि अगर हमारे क्वार्ट पर चलेगी तो ठीक है जी। वरना भाई अपना यहाँ पे बोरिया भी इस तरह उठा और यहाँ से दफा हो जा, घर खाली कर जी। हमारा घर छुड़वा रखा है जी 2 तारीख से। अब मैं कहीं और रह रहा हूँ जी। अब घर पे घुसता हूँ तो हमारे पीछे इंटे मारते हैं, टट दे के पड़ जाते हैं हमारे पीछे जी। यानी आपका भाई, आपकी बहन, आपके जीजा, आपके माता पिता सब मिले हुए हैं? मेरा एक ही सवाल है मैं जो पूछना चाहता हूँ, ये ऐसी क्यों आन पड़ी कि आप नफरत का पात्र बन गए? आप लगातार घर वाले हैं, आपका विरोध करने लगे, क्यों करने लगे? आपने ऐसा क्या काम कर दिया कि घर वाले आपके साथ नफरत करने लगे? काम को मैंने तो कुछ नहीं किया सर, मैं अपनी कमा के खाता हूँ, अलग हूँ, मेरे को न्यारा कर रखा है, अपने कमा के खाता हूँ। अगर मेरी घरवाली अच्छा सूट पहन लेगी या कोई हार श्रृंगार भी कर लेगी तो ये बोलते हैं रंडी पता नहीं किसके लिए तैयार हुई है जी। रंडी पता ना कहाँ भागेगी, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और मैं कुछ देता नहीं हूँ, मतलब मैं अपना घर है जी, मेरे बीवी बच्चे पाल रहा हूँ, मेरे घर की जाके स्थिति देख लेना जी कैसी है। तो अपनी बीवी बच्चे पाल रहा हूँ, नू बोलते हैं तू तो हमें कुछ देता नहीं है, तो करके मतलब हमारे साथ अगर झगड़ा भी करते हैं तो यही सोच रखते हैं भी ये हमारे साथ है, हमारे से ऊंची आवाज में बात ना कर सके भी, कल को हमें इसको दबाने वाले हो जाएं भी, तू के बोलने को मर रहा है, ये तेरे ये देख तेरे घरवाली को हमने ऐसे कर रखा है। वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है, नहीं देखा। कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। औरतें आपकी खेती है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेती है। आपके मुल्ला तो ये भी कहते हैं कि औरत दिल बहलाने का सामान है, तो क्या मैं बन जाऊं दिल बहलाने का सामान? आपने भी खेती पे क्वेश्चन किया, तो वो खेती वाला क्वेश्चन आपसे अभी है। आप मनुस्मृति 9:33 में जो खेती लिखा हुआ, क्या आप उससे राजी करते? अगर वैसे तो मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मतलब कि वुमेन्स के बारे में बड़ा कंसर्न रहता हूँ कि भाई वुमेन्स के बारे में जैसे बोला जाता है कि भाई वो मना नहीं कर सकती, इसके बारे में कोई चेंजेस कर सकते हैं कि भाई आगे से आओ पीछे खेती वगैरह ये कुछ चेंजेस कर सकते हैं? मैं खुल के नहीं बोल रहा, बस थोड़ा थोड़ा सा बोल रहा हूँ। आप वुमेन के बारे में क्यों कंसर्न है ओम भाई? मतलब कि कोई ऐसा खास वजह वुमेन के बारे में कंसर्न रहने का? आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं ना ओम भाई? आप ओम भाई आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं ना, तो आप वुमेन से लेके कंसर्न है ना? रुक जाइए अभी रुक जाइए आप अभी रुक जाइए। आप वुमेन को लेके कंसर्न है ना ओम भाई? मैं कंसर्न को आपको ला रहा हूँ बाहर। वुमेन को लेके आप कंसर्न है, और आपको पता मनुस्मृति में कितना कंसर्न है वुमेन को लेकर के? 9:9 में, 5 में सारा आपको कंसर्न क्लियर कर चुके आप ओम भाई? बिल्कुल 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 बोलिए, लेकिन ये अभी आप इस्लाम के जानकार नहीं, मैं बोलूंगा ये आपका डबल स्टैंडर्ड होगा। अगर आप आगे आपका डबल स्टैंडर्ड होगा कि अगर आप अपने स्क्रिप्चर्स में मनुस्मृति में अगर आप उसके उसके बारे में आप कंसर्न नहीं है, और अगर आप कहीं पर और भी क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत सही बात। हाँ भाई, मैं यहाँ लेके आता हूँ। नहीं मैं बात, हाँ मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैं यहाँ लेके आता हूँ। क्या लेके आते हैं? क्या लेके आप आइएगा? उन लोगों को लेके आता हूँ जो इसके बारे में राइट पर्सन है जवाब देने के लिए। मैं उनको उन लोगों को लेके अभी आने, आप अभी सवाल कर रहे हैं ना वुमेन को लेके कंसर्न भी आपने आपने बोला। चैनल इस्लाम से रिलेटेड है ना? मेरा चैनल इस्लाम से रिलेटेड है, आप तो हिंदुइज्म से रिलेटेड है ना आप मेरे भाई? लेकिन मैं राइट पर्सन नहीं हूँ ना, मैं इतना वैसा। देखो भाई, जब बोलते हैं ना दूसरों पे उंगली उठती है तो हम अच्छे तरीके से उठा लेते हैं, जब वही उंगली जब खुद पे उठती है ना तो ये ऐसे ही हरकत होने लगता है। और सबसे पहले मैं ये हिंदू भाई का बोलूंगा, जो भी इनके साथ गलत हो रहा है, इनके फैमिली वाले के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, ठीक है, तो इनके जो वो भाई के जो माँ बाप थे वो हिंदू धर्म से थे, ठीक है, तो इससे ये नहीं हो सकता कि जितने हिंदू है, ठीक है, वो सारे ऐसे ही है, सेम है, सारे हिंदू के जो
धर्म के माँ बाप है तो उनका सोच भी वैसा ही है, ऐसा नहीं है। वैसे ही इस्लाम है, अगर कोई मुस्लिम घर में पैदा हो गया है और वो मुसलमान कहला रहा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो इस्लाम को फॉलो कर रहा है जो सही इस्लाम है। और ऐसा नहीं है कि वो अगर कोई मुसलमान इंसान गलत है तो सारा इस्लाम खराब है, ठीक है, सारे इस्लाम में कुछ कमियां है, ऐसा नहीं है। ये बस सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है जब आप पढ़े लिखे नहीं होते हो ना, आपका एजुकेशन सही ढंग से नहीं होता है, सही जगह नहीं होता है, तो ही ये ऐसा हरकतें होती है। तो ये किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं ऐसा हरकत, तो उससे कोई रिलीजन खराब नहीं होता है। और ये लोग हमेशा मैं देखती हूँ, मतलब जो भी ब्रेन वॉश होते हैं, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी ये सारे ब्रेन वॉश है, या तो फिर ब्रेन वॉश ये पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है, एक पार्टी हो या कोई भी प्रोपेगेंडा के तहत इन लोग सोशल मीडिया पे आके ये सारी चीजें जानबूझ के मतलब पॉइंट करते हैं, जो जो चीजें इस्लाम की चलती रहती है मीडिया में, ठीक है, मीडिया में जो चलती रहती है, जैसे ट्रिपल तलाक और हलाला, ये सारी चीजों पे ये लोग आके मैं बोरा पहन लूं। लेकिन अगर आप हर धर्म के बारे में जब पढ़ोगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं और भी जो जो मतलब अदर रिलीजन है उसमें जो बहुत ज्यादा जो जैसे कि इस्लाम में जो आलिम होते हैं ना पूरे, उनको पता होती है ये बुक में ये सारी चीजें लिखी हुई है, वैसे ही हम हिंदू धर्म के भी देखते हैं कि जो बहुत उन लोग को पूरे वेद जो होते हैं वेद वो उनके बारे में उनको पता होता है, तो वो यही चीजें बताते हैं कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें तो आप हर धर्म में देखोगे। अभी अगर आप इंडिया में राजस्थान जाओगे तो वहां वो लोग इतना नकाब लगाते हैं, मतलब घूंघट करते हैं, और मतलब कोई भी जेंट्स अगर वहां घर पे आते हैं उनकी फैमिली का ही जिनके साथ वो रह रहे हैं, उनके ससुर हो जेठ हो कोई भी, तो वो लोग मतलब इतना पूरा वो रखते हैं और फेस दिखाते ही नहीं है। तो ये तो हर धर्म में है, लेकिन एक ही धर्म को जानबूझ के टारगेट किया जाता है, आके बोला जाता है कि नहीं मैं बोरे पहन लूं, मौलाना लोग बोल रहे हैं बोरे पहनना, तो मौलाना लोग नहीं बोल रहे, उनके धर्म में वो सारी चीजें हैं, तो वो लोग बता रहे हैं कि आपके धर्म में ऐसे ही हर धर्म में। लेकिन कभी अब मुसलमानों को नहीं देखोगे कि ये सारी चीजों पे उंगली उठाते हुए कि तुम्हारी जो औरतें हैं वो ऐसा क्यों कर रही है, तुम्हारे धर्म के ग्रंथ में ये लिखा है वो लिखा है, लेकिन हमेशा आप देखोगे तो ऐसी ही सारी चीजों को बोलते रहते हैं कि उसमें ये लिखा है वो लिखा है। जैसे अभी लास्ट में एक लड़का भी बोल रहा था, तो उसको जब उनके ही धर्म के मनुस्मृति के बारे में बताया जाता है तो लोग मानते नहीं है उस चीज को, ठीक है, तो गलत बात है। आप लोगों को सबसे सिंपल चीज है कि खुद की बुक पढ़नी चाहिए, दूसरे की बुक को पढ़ने से पहले खुद की अपने धर्म में झांक के देखो, सही चीजें आपको समझ में आएगा। पर्दा करना तो बहुत सही चीज है यार, इतना अच्छी अच्छी चीजें इस्लाम में लिखी हुई है, वही दूसरे रिलीजन में भी लिखा गया है अगर कंपेयर किया जाए तो। लेकिन लोग क्या है, इस्लाम को बदनाम करने के लिए मतलब करते इसलिए ताकि उसे वोट बैंक हासिल कर सके, मुसलमानों को एक गलत नजरिया से दिखाया जा सके, प्रेजेंट किया जा सके। और वैसे ही ये वकील है, जितनी भी बातें ये उठा रही है इसको इतना ही सनातन धर्म से प्यार है या तो इतना ही ये सनातन धर्म में शादी करना चाहती है, तो ये पब्लिसिटी क्यों कर रही है? ठीक है भाई, आप तुमको करना है जाओ, हजार लड़के मिल जाएंगे आपको, आप किसी भी अच्छे लड़के को पसंद कर लो, वो आपको पसंद कर लेगा, शादी कर सकते हो, सिंपल सा बात है। तुम भैया यही है, तुमको मीडिया में आने का जरूरत क्या है? तुम यही काम कर रहे हो ना, जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टी करते हैं हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का, वही काम तुम मीडिया में आके बैठ गए हो और वही मीडिया को मतलब मीडिया में आके बोल रहे हो ताकि यार एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट मिले। ठीक है, तो ये सब चीज पैसे के लिए ही हो रहा है। आप लोगों को समझने की बस मतलब समझने के लिए आपको बस दिमाग चाहिए, हर कोई तो नहीं समझ सकता, मेरे को पता है, क्योंकि आज के डेट में ऐसा हो गया है अगर कोई इस्लाम के खिलाफ बोलेगा तो वो इंसान बहुत अच्छा हो जाएगा एक रिलीजन मतलब नॉन मुस्लिमों के नजरियों में, ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा, वो उसको एकदम चांद पे बैठा देंगे। और कोई अगर कोई मतलब अगर कोई हिंदू धर्म का ही भाई है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैं जानता हूँ पर्सनली खुद, ठीक है, जो इस्लाम धर्म को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो गलत नहीं है तो हर कोई सपोर्ट करेगा, जो सही चीज है, ठीक है, उसको तो जरूर सपोर्ट करना चाहिए जैसे हम करते हैं। ठीक है, तो यार अगर मैं करूंगा ना तो आके मेरे लोग पीछे मेरे ही फ्रेंड सर्कल के लोग आके गाली देंगे। सो ये एक एक, एक ये चल रहा है, जो एक प्रोपोगेंडा है ना वो चल रहा है। तो ऐसा क्यों, किसी भी एक रिलीजन को टारगेट क्यों कर रहे हो? हर रिलीजन में कुछ ना कुछ गलती होती है, ठीक है, तो अगर उसी को अगर कोई मुसलमान इंसान आके भी बोल दे तो उसको पूरा मीडिया में चलाने लग जाएंगे कि ये देखो आ गया टेररिस्ट, आ गया ये, आ गया वो, आ गया, तो ये सब डबल स्टैंडर्ड क्यों?
तुम भैया तुमको करना ही है वो सिर्फ वकील को शादी, तो तुम जाओ और शादी कर लो, है सिंपल सा बात है, इतना प्रोपोगेंडा करने का क्या जरूरत है। सो गाइज ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप क्या सोचते हो इस वकील के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।